नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मैथिन हिंदी में। ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं ये चीज़ हम लगातार सीख रहे हैं। ये वैल्यू पुटिंग का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 sin θ / 1 cos θ + sin θ = y, और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। आंसर आपको दे रखा है वाई में, मतलब यहाँ मैं थीटा कुछ भी रख सकता हूँ, बस इन क्वेश्चनों में हमें एक रिलेट करना पड़ता है। जैसे साइन है, कॉस है, बटा में प्लस हो रहा है कुछ ना कुछ, इसका मतलब ज़ीरो नहीं बनेगा, तो कोई भी वैल्यू रख लो। जैसे मैं थीटा 0 डिग्री रख लेता हूँ, 0 डिग्री के केस में साइन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। साइन ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। बटा में कुछ भी आई, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई, यानी 0 = y आ जाएगा। इधर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो साइन 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। साइन 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो 1 - 1 0 होता है, और 0 / 1 वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी यहाँ भी 0 है, और 0 के बराबर क्या है, y है। 0 के बराबर y है, तो इस 0 के बराबर भी मैं y रख सकता हूँ, यानी इसका मान 0 आया था, और 0 के स्थान पर मैं आंसर क्या दे सकता हूँ, y दे सकता हूँ। तो ऐसे आपको रिलेट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जहाँ हम बस आंसर निकालेंगे और हम देखेंगे कि इस 0 के अकॉर्डिंग मैं y आंसर कर सकता हूँ, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि टेन स्केयर एल्फा 1 + 2 tan² बीटा, ये आपको दे रखा है, और साथ में आपको लिख रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल, ये आपको दे रखा है, और फाइंड आपको करना है √2 cos α और -cos β, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन आपके पास है 0, 1, -1 और √2, ऐसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब देखो, यहाँ इस तरीके का क्वेश्चन होता है अल्फा और बीटा, यानी यहाँ हमें कंडीशन क्या दे दी, बराबर की दे दी, यानी आप बीटा पर कोई भी वैल्यू रखोगे और अल्फा पे रखोगे तो दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब देखिए, इस केस में आप एक को कोई भी मान लो, मान लो यहाँ बीटा को मैं 0 मान लेता हूँ, कि बीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री। बीटा बराबर 0 मानते हैं, टेन क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये इतना 0 हो गया, यानी क्या रह गया, 1। तो अल्फा बराबर मैं क्या मानूं कि 1 के बराबर हो जाए, तो टेन 1 कब होता है, 45 के केस में। तो मैं यहाँ बोलूँगा जब ये अल्फा बराबर क्या है, 45, तभी तो इसकी वैल्यू 45, यानी एक वैल्यू आपने रखी, दूसरा आपको अपने आप बता देगा कि क्या रखें कि 1 आए। तो यानी बीटा बराबर 0 है, अल्फा बराबर 45 है, तभी ये बराबर हो पाएगा। बस मानपुट करना है, अल्फा अल्फा हमने 45 माना था, और कोस 45 क्या होता है, 1/√2, अंडर रूट यहाँ लिखा हुआ है इसका, 1/√2 होता है। मान नहीं होता तो आप इसका रेशियो बना लोगे, ताकि आसानी से आप इसको लिख सको। माइनस कोस बीटा, बीटा 0 डिग्री माना था, और 0 डिग्री के केस में कॉस क्या होता है, 1 होता है। इसको सॉल्व करोगे, ये कट गया, 1 - 1 क्या आ गया, 0, और 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको कंडीशन दे देगा, जिसमें हमें पता होना चाहिए, एक वैल्यू रखते ही दूसरा अपने आप पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1³, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2³, और फाइंड आपको करना है a² b² a² + b² का मान, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं वही 1 - 1 0। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ देखिए, हम अगर मेरिक में आंसर है तो थीटा कुछ भी रख सकते हैं। अब देखो, साइन कोस कोसेक और सेक हैं, यानी अगर हम 0 रखेंगे तो कोसेक इनफाइनाइट हो जाएगा, 90 रखेंगे तो सेक इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी 0 और
90 नहीं रख सकते क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, एक जीरो होगा तो दूसरा इनफाइनाइट, यानी इस केस में हम क्या रख सकते हैं, 45। 45 रखेंगे तो मान क्या हो जाएगा, कोसेक की वैल्यू हो जाएगी √2 और साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। यानी यहाँ भी वही हो जाएगा √2 और -1/√2, तो यानी इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, इसलिए आपको अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको सोल्व करोगे तो 2 - 1 1/√2, यानी a3 की वैल्यू भी यही आएगी और b3 की वैल्यू भी यही आएगी, क्योंकि यही मान इसका होता है और यही ये होगा कब, 45 के केस में। तो यानी कह सकता हूँ a और b बराबर यही रहेगा। अब आपको यहाँ पुट करना है, पर यहाँ से हम देखेंगे कि ये आपका जो वैल्यू है वो स्केयर में है, यहाँ पावर 3 है। अब आप ये देखोगे कि a और b क्या है, बराबर है, यानी यहाँ जो मान ए का है वही बी का है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे सबको ए या बी लिख दूँ, यानी इसको भी ए लिख दूँ, इसको भी ए लिख दूँ, तो क्या सेम ही तो आएगा आंसर। तो ए की पावर 2 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ए की पावर 6 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 6, इतना मेरे पास रह गया। ए की 3 की वैल्यू ये है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका स्केयर हो जाएगा, मतलब 1/2। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/2, और आंसर क्या आ जाएगा, 1, और 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए पावर, 1 की पावर 3 की वैल्यू ये है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता ना था ना कि 1 की पावर 3 का स्केयर, 1 की पावर 3 की वैल्यू यहाँ लिखोगे तो 1/√2 और उसका स्केयर है तो क्या हो जाएगा, 1/2 ही तो हो जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब यहाँ से हमें बराबर वैल्यू मिली है, तो मैं इस चीज को ऐसे सोल्व कर सकता हूं, बी को ए बना सकता हूं या ए को बी बना सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा और वाई इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ये है। फाइंड आपको करना है कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू क्या है, और ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं इस बार ऑप्शन आपको दे रखे हैं जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर बी टू बी स्केयर और 2 ए स्केयर, ऐसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कि जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिक में वैल्यू। अब देखो ए और बी है, यानी क्वेश्चन है जो ए और बी, सॉरी यहाँ हाँ ए और बी, इसमें दोनों ए हैं ये बी है, तो क्वेश्चन है वो ए और बी में आंसर आ रहा है, मतलब थीटा पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी थीटा कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि टेन है सेक है, टेन को अगर मैं 0 बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 0 के केस में टेन 0 होगा, 90 के केस में इनफाइनाइट होगा, तो मैं 0 होगा, मैं ये देखूंगा 0 डिग्री में सेक क्या होता है, तो सेक 1 होता है, यानी 0 डिग्री हमने मान रखा तो टेन खत्म हो गया, 0 हो गया, यहाँ से 10 खत्म हो गया, सेक का मान क्या होता है, 1, यानी ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम वैल्यू रह जाएगी, यहाँ भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम वैल्यू, यानी एक्स बराबर ए है, वाई बराबर बी है, ये हमें पता लग चुका है। एक्स के स्थान पर ए रख देंगे, वाई के स्थान पर बी रख देंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपसे पूछा जो गया है वो पूछा गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर +3 का मान क्या है, ऑप्शन 0 1 2 3 ये है, ठीक है, यानी न्यूमेरिक में आंसर है, ये पूछा गया है, ये दे रखा है। देखो यहाँ साइन भी है, कॉस भी है, सेक भी है, कोसेक भी है, मतलब 0 90 नहीं हो सकता, तो सीधी सी बात है 45 होगा, और 45 के केस में ये दोनों √2 होते हैं और ये दोनों 1/√2 होते हैं, यानी जो भी मान आएगा वो सेम आएगा। तो अगर इसको सोल्व करते हैं √2 - 1/√2 सोल्व करेंगे तो 2 - 1 1/√2 होता है, तो यानी एक्स बराबर वाई बराबर 1/√2 वैल्यू आ जाएगी। देखो √2 - 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई 2 -1,
टू माइनस वन वन बाय रूट टू, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की भी और वाई की। सॉल्व करना है तो इसमें स्केयर करेंगे तो एक बटा दो, यहाँ स्केयर करेंगे तो एक बटा दो, यहाँ स्केयर करेंगे एक बटा दो, यहाँ स्केयर करेंगे एक बटा दो प्लस तीन, ये वैल्यू बतानी है। तो ये एक बटा चार मल्टीप्लाई आधा आधा एक और तीन चार, चार की गुणा एक बटा चार से करेंगे तो आंसर आ गया एक, और एक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यानी साइन कोसेक कोसेक है तब 0 90 नहीं होगा, 45 होगा, 10 कोट होगा तब भी ये होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से हम सीखते आ रहे हैं, अब तक यहाँ हम काफ़ी हद तक वैल्यू पुट करना सीख गए होंगे। जो बच्चे बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं, कुछ तो ज्ञानी है उनको तो पता है, जो जीरो से सीख रहे हैं शायद उनको अब तक चौथी वीडियो है तो काफ़ी कुछ समझ आने लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था आसान सा कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू टू, फाइंड टेन की पावर एन थीटा प्लस कॉट की पावर एन थीटा क्या होगा, और ऑप्शन आपको दे रखे थे टू की पावर एन एन टू टू की पावर वन बाय टू, ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे थे। अब देखो यहाँ हम अपनी मर्जी से थीटा नहीं रख सकते क्योंकि हमें वही रखना पड़ेगा ताकि यहाँ दो आए। तो हमें पता है कि 45 डिग्री के केस में ये भी एक होता है, ये भी एक होता है, और एक दो होते हैं, मतलब थीटा क्या है 45 है। ठीक है, थीटा 45 है तो यहाँ भी एक की पावर एन है और यहाँ भी एक की पावर एन है। एक की पावर एन मतलब कुछ भी हो, एक हो, दो हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, एक की पावर कुछ भी हो एक ही होता है, और एक क्या हो गए, दो हो गए, और आंसर यहाँ दो आएगा। कहीं आप एक और एक दो करके 2n कर दो, नहीं, एक की पावर n का कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यानी कोई भी पावर यहाँ लिख दो आपका एक ही रहेगा, और एक का जोड़ दो होगा, दो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। गलती से 2 की पावर n मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है कि x इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको दे रखा है, और फाइंड आपको करना है x की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 x की पावर 2 प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 4 y प्लस 1 क्या होगा। ऑप्शन है 1 0 1 4 2, ये आपके पास क्वेश्चन है, यानी ये वैल्यू दे रखी है और ये मान आपको पता करना है। अब देखो यहां से साइन और कॉस है, आंसर न्यूमेरिक में है, और एक्स वाई की वैल्यू चाहिए पुट करने के लिए। थीटा कुछ भी रख सकता हूं, 0 रखो या फिर 90 रखो। तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो साइन क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 होगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरा क्या हो गया, 0। यहाँ पे साइन 0, साइन खत्म हो गया, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी एक्स बराबर 1 है, वाई बराबर क्या है, 0। वाई बराबर 0 हो गया तो यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये खत्म हो गया इतना, यहाँ वाई के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये इतना भी खत्म हो गया। वैल्यू मेरे पास क्या रह गई, ये एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 4 एक, एक की मल्टीप्लाई 2 से तो 2, और इधर प्लस 1, दो ही प्लस है, दो ही माइनस है, आंसर क्या आ गया, 0, और 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखने में बड़ा क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है कि 2 sin² β प्लस 4 cos α प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस 2 α प्लस बीटा का मान निकालना है। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं साइन 2 α साइन 2 β कॉस 2 α कॉस 2 β, अल्फा और बीटा में आंसर है
अब देखो यहाँ आंसर हमें सभी साइन 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 कॉस साइन साइन और कॉस कॉस है, स्केयर में नहीं आंसर है, सिंपल साइन और कॉस में आंसर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये स्केयर खत्म हो। तो बीटा बराबर, मुझे पता है साइन 0 बराबर 0 होगा, तो मैं बीटा बराबर 0 मानूंगा, तो ये साइन खत्म हो जाएगा। बीटा बराबर 0 है तो ये साइन 0 होगा, और इसके साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ये इतना भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन रह गया इतना, बीटा 0 है तो अल्फा प्लस बीटा 0 0 को जोड़ो ना जोड़ो एक ही बात है। तो क्वेश्चन ये क्या रह गया, सिर्फ कॉस 2 अल्फा, और कॉस 2 अल्फा ये है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आसानी से हम आंसर देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि किसे खत्म करना है, किसको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कॉस स्क्वेयर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वेयर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी मल्टीप्लाई कॉस ए और कॉस बी। ऑप्शन जो आपको पास है वो है कॉस स्क्वेयर ए, साइन स्क्वेयर ए, टेन स्क्वेयर ए और कॉट स्क्वेयर ए। ये ऐसे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो यहाँ से हम देख रहे हैं कि आंसर किसमें ए में है, यानी बी, जो बी है उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो कॉस है तो बी को मैं मान लेता हूँ 0, क्योंकि ए से 0 माइनस करेंगे तो ए ही रह जाएगा, ए से 0 माइनस करेंगे तो ए ही रह जाएगा। अब कॉस बी, यानी बी 0 है तो कॉस क्या हो जाता है, 0 के केस में 1 हो जाता है, 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास रह गया कॉस स्क्वेयर ए बी, यानी कॉस बी 0 है तो 0 का मान क्या होता है 1 माइनस 2। ये कॉस ए है, यहां भी कॉस ए है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वेयर ए, ठीक, माइनस 2 है और ये 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये रह गया 1 का, तो 1 रह गया माइनस कॉस स्क्वेयर ए रह गया, यानी 1 वैल्यू से 2 वैल्यू में से माइनस करोगे तो माइनस वाली वैल्यू 1 रह गई। पर ऑप्शन में हमें ऐसे दे रखा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वेयर ए लिख सकता हूँ, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, पर यहाँ एक छोटा सा हम अगर चेंज करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन को सोल्व पाए कर पाएंगे। कॉस स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर एल्फा प्लस थीटा और 2 कॉस एल्फा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस एल्फा बराबर, आपने बताना है, ऑप्शन आपके पास है साइन स्क्वेयर एल्फा कॉस स्क्वेयर एल्फा टेन स्क्वेयर एल्फा और सेक्स स्क्वेयर एल्फा, ये आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ से फिर वही अल्फा में है तो मैं थीटा को कुछ भी मान सकता हूँ, और कॉस है सभी में तो मैं 0 मानूंगा तो कॉस 1 होता है। पर यहाँ मुझे ये भी पता है कि अगर मैं थीटा को 90 मान लूँ तो 0 हो जाता है। उस केस में क्या था, प्लस माइनस करना था, तब मैं 90 का प्लस करता तो थोड़ा सा मुश्किल था क्वेश्चन। यहाँ अगर हम देख रहे हैं कि अगर मैं 0 मानता हूँ, 90 थोड़ा थीटा बराबर 90 मानता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 0 होता है। यहाँ से कॉस थीटा 0 होता है और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ तक, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 होता है, बस ये रह गया। और यहाँ से अब मेरे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वेयर एल्फा प्लस 90 ये आ गया, यानी कि ये किस में आ गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, कॉस एल्फा प्लस 90। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो 90 प्लस है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर एल्फा, और साइन स्क्वेयर एल्फा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। उधर जाता अगर मैं 0 मानता तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता, उस वो तरीका भी आप लगा सकते हो जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, ऐसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस y माइनस 1 और 2 माइनस कॉस y। फाइंड आपको करना है
टेन एक्स बाई टू और कॉट वाई बाई टू, ये मान आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है ज़ीरो, रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री और वन, ये आपको दे रखा है। अब देखिए, जो इस वीडियो के हमने स्टार्टिंग में किया था कि इधर एक्स और वाई है और बराबर है, यानी हमें इसको सेटिस्फाई करना है, तो इस केस में और इधर भी एक्स और वाई दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में हमने देखा था कि एक साइड आप वैल्यू पुट कर दो, दूसरी साइड जो मान आएगा वो हमें अपने हिसाब से पुट करना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कॉस ज़ीरो कब होता है, तो कॉस ज़ीरो होता है 90 डिग्री के केस में, तो मैं वाई बराबर मान लेता हूँ 90 मानूंगा, तो ये ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो हो गया, यानी वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, माइनस एक बटा दो रह गए। तो कॉस एक्स क्या रखूँगा, अब मुझे या तो क्लियर होना चाहिए कि माइनस एक बटा दो किस केस में होता है, या मैं यहाँ पे एक ये वैल्यू होती है 120 के केस में। अगर नहीं भी पता तो मैं माइनस एक के केस में मुझे पता है कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा करण, यानी आधार माइनस वन है तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और माइनस वन टू कब होगा, जहाँ यहाँ रूट थर्टी होगा, और यहाँ रूट थर्टी कब होता है, जब ये थर्टी होगा, यानी 90 प्लस 30, यानी वैल्यू क्या आ गई x बराबर 120। यानी या तो आपको ये मान याद होना चाहिए या आपको ऐसे आप ट्रायंगल बनाकर रेशियो से भी फाइंड कर सकते हो। तो x बराबर 120 है, तो यहाँ 10 बराबर क्या रह गया, 120 बटा 260, और cot बराबर है 90 बटा 2 मतलब 45, ये आपके पास मान आ चुका है। तो 10 60 का मान क्या होता है, रूट थ्री, और कॉट का मान क्या होता है, एक, रूट थ्री की एक से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ गई, रूट थ्री, और रूट थ्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी जहां हमें कंपैरिजन करना होता है तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस टेन थीटा प्लस साइन की पावर थ्री थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक्स प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऑप्शन वही एक दो माइनस एक जीरो। देखो थीटा का मान इजी लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा शायद एक दो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं, साइन कॉस है तो जीरो रखेंगे। अब देखो हाँ, यहाँ टेन है, टेन है तो जीरो रख सकता हूँ, 90 नहीं रख सकता क्योंकि 90 टेन को इनफाइनाइट कर देगा, तो जीरो, जीरो रखते ही हमें पता है टेन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो होगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, साइन जीरो है तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, क्वेश्चन सिर्फ इतना बच गया, बटा एक का कोई इफेक्ट नहीं है, कॉस और कॉस जीरो में क्या होता है, एक, और इसका एक मतलब एक्स बराबर एक, और एक ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन और इंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन है कि एक प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा एक प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ऑप्शन जो आंसर दे रखा है आपको ऐसे टेन थीटा बाय टू कॉट थीटा बाय टू साइन थीटा बाय टू और कॉस थीटा बाय टू, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब देखिए साइन कॉस है तो आप कोई भी मान रखिए, हम थीटा बराबर जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो हमें पता है साइन जीरो हो गया कॉस एक हो गया, साइन जीरो हो गया कॉस एक, एक माइनस एक जीरो, जीरो बटा कुछ भी हो आंसर क्या आ गया, जीरो। तो हमने बस ये देखना है कि ऑप्शन में कौन सा जीरो बना रहा है, तो देखो जीरो यहाँ जीरो होगा, बटा दो का कोई इफेक्ट नहीं है, सभी जीरो रहेंगे, तो टेन जीरो भी जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, यानी कि जीरो के तो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, एक मान और रख लेंगे कि थीटा बराबर अगर 90 रखते हैं तो क्या रहा है, 90 रखेंगे तो ये जीरो हो गया, ये एक हो गया, ये जीरो, ये एक, यानी दो बटा दो क्या आ गया, एक, दो बटा दो एक आ गया। ठीक, अब एक किस में आ रहा है, अब यहां जल्दबाजी में ये नहीं कर देना है कि 90 तो साइन में एक होता है, 10 तो इनफाइनाइट होगा, तो गलत हो जाएगा। देखो वैसे तो एक
90 के केस में तो ये आएगा, पर यहाँ दे रखा है थीटा बाय टू, यानी अगर यहाँ थीटा 90 रखा है तो यहाँ क्या बन जाएगा 45, थीटा बाय टू, यानी 45 में 10 तो 1 होता है, साइन क्या होता है 1/√2 होता है, इसलिए आंसर 10 होगा। जल्दबाजी में गलती हो सकती है कि 90 तो साइन 1 होता है जी, पर यहाँ थीटा बाय टू है, ध्यान रखना है स्पेशली इस तरीके से, कि आंसर हो जाएगा 10 थीटा बाय 2 इसके बराबर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे प्रूव करने वाले क्वेश्चन कि ऐसे दे रखा है ये किसके बराबर है, इन दोनों को कैसे ऑप्शन से उठाकर हम सॉल्व करेंगे, तो एक वीडियो और बनाएंगे वैल्यू पुटिंग की, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे। उम्मीद यही करूंगा कि आपको ये समझ आ रहा है, लगातार आप इस चीज़ को देख रहे हो, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।